नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद तालुक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स के दूसरे एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। इससे पहले जब हम लोगों ने बात की थी पहले एपिसोड में, तो हम लोगों ने 2019-20 के प्रमुख पुरस्कारों की बात की थी, और आज हम लोग गेम्स खेल की बात करेंगे। 2019-20 के जो भी खेल प्रतियोगिताएं आपके लिए महत्वपूर्ण है उन सब की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत आसानी से बताया था कि वैसे तो जिस तारीख से परीक्षा है उसके लगभग पिछले 10 महीने का करंट आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन खेल प्रतियोगिताएं ऐसी होती हैं जिनका आयोजन 2 या 3 वर्षों में एक ही बार होता है। वो खेल प्रतियोगिता समान रूप से आपके लिए उपयोगी होती है, जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो गए, एशियाई खेल हो गए, फीफा विश्व कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया इत्यादि। तो हम लोग 10 महीने के करंट को तो समाहित करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हम उन सभी प्रतियोगिताओं को भी समाहित कर लेंगे जो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए बात करते हैं तुरंत हम लोग खेल से। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स हमारी तरफ से संपूर्ण आपको दिया जाएगा। जैसे यहां पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, तो जैसे लिखा है 18वें एशियाई खेल। देखिए, दो चीजें यहां पे याद करने की जरूरत है। पहले तो क्रम याद करने की जरूरत है, 18वां है ना, तो एशियाई खेल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एशियाई खेल 2018, 18वें एशियाई खेल। तो देखिए क्या सबसे पहले कहां कहां से प्रश्न आपके बनते हैं, इसका आयोजन कहां हुआ था, है ना। जकार्ता एवं पालेमांग में इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था, जकार्ता एवं पालेमांग में। उद्घाटन जोको विडोडो, जब इंडोनेशिया में हुआ था तो निश्चित रूप से उस समय तत्कालीन इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो जोको विडोडो थे और उन्होंने उद्घाटन किया था, क्लियर। अब देखिए शुभंकर क्या था, भिन्न भिन्न मतलब स्वर्ण की चिड़िया, काका एक गैंडा और एक आतुंग एक हिरण, मतलब 3 जीवों को यहां पर दर्शाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए शुभंकर में तो किस किस को, चिड़िया को, गैंडा को और हिरण को, 3 तरह के जीवों को इसके शुभंकर में दर्शाया था, क्लियर। ध्येय वाक्य क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया। उद्देश्य वाक्य, ध्येय वाक्य क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया। आगे बढ़ते हैं इससे, भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या लगभग कितनी थी, 1804 थी, यहां पे क्लियर कर लीजिएगा, क्लियर। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, नीरज चोपड़ा थे। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। विजेता, पहले स्वर्ण पदक विजेता 2018 में भारत के लिए कौन थे, बजरंग पुनिया थे। अगर आपसे ये इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, बजरंग पुनिया थे, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि 2018 के एशियाई खेलों में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन से थे, बजरंग पुनिया थे, क्लियर। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझाओ चीन में किया जाएगा, कब, 2022 में, और 20वें एशियाई खेलों का आयोजन नागोया जापान में किया जाएगा 2026 में। इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहां से कलेक्ट करनी है। अगला जो आपका खेल है फीफा विश्व कप, है ना। चलिए फीफा विश्व कप कहां आयोजित हुआ, है ना, तो सबसे पहले ये देखना है फीफा विश्व कप, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। 2 बार आपसे पूछा गया है सही फुल फॉर्म। 21वां फीफा विश्व कप था, कौन सा, 21वां फीफा विश्व कप का शुभारंभ 14 जून 2018 को हुआ, जिसका फाइनल मुकाबला 15 जुलाई 2018 को खेला गया। कहां हुआ था, रूस। मेजबानी किसने की थी, रूस में। इसका मतलब इसका जो आयोजन स्थल था वो आयोजन स्थल इसका क्या था, बताइए, रूस था, है ना। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, 32 टीमों ने भाग लिया था और इनको 8 समूहों में बांटा गया था। 2 ऐसी टीमें थी जिन्होंने फीफा में पहली बार भाग लिया था, उनका भी मैं नाम आपको बता रहा हूं, आइसलैंड और पनामा। ये 2 ऐसी टीमें थी जिन्होंने फीफा में पहली बार जो है क्या किया था, भाग लिया था। 32 टीमें कुल थी जिन्हें 8 भागों में विभाजित, 8 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला मैच ये सब आपको नहीं देखना है, है ना, यहां पर बस देखना है विजेता फ्रांस 4 और 2, उपविजेता कौन था, क्रोशिया। रूस में आयोजित हुआ था, विजेता फ्रांस था, उपविजेता क्रोशिया था और आइसलैंड और पनामा की टीमें पहली बार विश्व कप में शामिल हुई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि आइसलैंड और कौन सी ऐसी 2 टीमें थी जो विश्व कप में पहली, फीफा विश्व कप में पहली बार शामिल हुई थी, तो आपका उत्तर होगा आइसलैंड और पनामा, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल। चलिए कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल 21वें थे, 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल 2018 को संपन्न हुए। अब चूंकि जब तक ये द्वारा नहीं होंगे ये सभी प्रतियोगिताएं, तो ये आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है ना। 18 खेलों की 23 प्रतिस्पर्धा, 275 खेल आयोजन इसमें शामिल थे।
71 देशों के 66,000 गलत लिखा है, 71 देशों के 6600 एक बिंदी टाइपिंग की मिस्टेक है, 71 देशों के 6600 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। कई खेलों को पहली बार शामिल किया गया था, इसमें समझ लीजिए भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, 26 स्वर्ण 20 रजत को 20 कांस्य है, कुल 66 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया। क्लियर। पहले बार दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रहे, है ना, ऑस्ट्रेलिया मेजबान भी था। क्लियर। और इस बार राष्ट्रमंडल खेलों से जूडो को हटाकर, अगर आपसे पूछा जाए किस खेल को हटाया गया, तो एक खेल को हटाया गया, जूडो को हटा गया, और दो नए खेलों को जोड़ा गया, बास्केटबॉल और पावर लिफ्टिंग को यहां पे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो बास्केटबॉल और पावर लिफ्टिंग को यहां पे जोड़ दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। शुभंकर बोरो भी था, धेवा शेयर द ड्रीम था, थीम हेलो अर्थ थी, शीतकालीन ओलंपिक खेल 23 में। यहां पर दो तीन जानकारियां आपके जो है महत्वपूर्ण की है। एक देश इसमें प्रतिबंधित था, क्षमा कीजिएगा, 23वें शीतकालीन के ओलंपिक में प्रतिबंधित देश कौन सा था, रूस। आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज एक चीज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का विवाद आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष कि कौन सा ऐसा खेल था जिसमें एकीकृत ध्वज के नीचे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया ने साथ मिलकर एक साथ प्रदर्शन किया, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए, शीतकालीन ओलंपिक खेल 23वां, है ना। प्रतिबंधित देश कौन सा था, रूस था। 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में बीजिंग में होगा, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में संपन्न हुए, है ना। ये सब आप क्लियर कर लीजिए, ये 24वां है, प्रतिबंधित देश रूस था, और जो जानकारी मैंने आपको दी है वो भी यहां पर लिखी होगी। हाँ, यहां पे देख लीजिए, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया की टीमों ने एकीकृत रूप से एक ध्वज के तले मार्च पास्ट में भाग लिया। यही प्रश्न पिछली वर्ष आपको एक परीक्षा में पूछा गया था। तो ये आपका कहां पे संपन्न हुआ था, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में ये संपन्न हुआ था। आइए, हॉफमैन कप ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 5 जनवरी 2019 को संपन्न, मिश्रित टीम टेनिस टूर्नामेंट हॉफमैन कप का खिताब स्विट्जरलैंड ने लगातार दूसरी बार और ओवरऑल चौथी बार जीत लिया। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और बेलिंडा वेंसिच की जोड़ी ने फाइनल में जर्मनी को हराया। क्लियर। हॉफमैन कप किसने जीता, देश का नाम याद रखना है, स्विट्जरलैंड ने, है ना, स्विट्जरलैंड ने जीता। आइए, छोटी छोटी चीजें हैं, जल्दी जल्दी करना है। डेविस कप किसने जीता, तो डेविस कप को भी आप याद रखिएगा। ये दो टेनिस प्रतियोगिता ऐसी है जो लगातार आपको पूछी जाती है। वर्ल्ड नंबर वन टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने सीजन का अंत अपने देश स्पेन को छठा डेविस कप खिताब जिताकर जीता, तो डेविस कप किसने जीता, स्पेन। ये ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जहां पर देश का नाम आपको याद रखना है, हॉफमैन कप और डेविस कप, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं आपसे देश के नाम से ही पूछी जाती है, खिलाड़ियों के नाम से नहीं पूछी जाती है। क्लियर। आइए आगे चलते हैं, टेनिस प्रतियोगिताएं देखिए, चार टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं क्रम से, जिनको मैंने आपसे बताया था, जिनको क्रम में लगाने के लिए भी आता है, जिसको हम ऑफ व्यू कहते हैं। क्लियर। ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक है याद रखने की, है ना। आ का मतलब है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फा का मतलब है फ्रेंच ओपन, वी का मतलब विंबलडन, और यू का मतलब है यूएस ओपन, है ना। ये चारों प्रतियोगिताएं क्रम से होती है, चार में से केवल अभी एक प्रतियोगिता इस वर्ष की संपन्न हुई है, तो बाकी जो प्रतियोगिता है वो आपको पिछले वर्ष की याद रखनी है, तीन। इस वर्ष जो संपन्न हुआ है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन संपन्न हुआ है। एक चीज और समझ लीजिए, इन चारों ही प्रतियोगिताओं को एक शब्द में मेजर कहा जाता है, मेजर। इन चारों ही प्रतियोगिताओं को कहा जाता है मेजर प्रतियोगिताएं, तो इनको एक शब्द में मेजर भी कहा जाता है, ना। अभी मैं आपको इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। फिलहाल समझ लीजिए कि स्पर्धा उपजेता, है ना, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवान जोकोविच सर्बिया के थे, देश का नाम जरूर याद रखिएगा, है ना। महिला एकल का खिताब सोफिया केनन, ये अमेरिका की है। पुरुष युगल जे सेलिवसरी यूके के और राजीव राम यूएसए के, और महिला युगल टिबना बोबोस हंगरी की और क्रिस्टिना मिलादेनोविक फ्रांस की, इन्होंने जीता। क्लियर। आपको वैसे मेरे ख्याल में जो याद रखना है वो केवल आपको पुरुष एकल और महिला एकल सारी प्रतियोगिताओं का याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। विजेता कौन है, उपविजेता कौन है, और इनके देश का नाम क्या है, इतना आपको जरूर याद यहां पर रखना है। क्लियर। आइए, जैसे अब 2019 की इसके अलावा प्रतियोगिता है, अब दूसरा ऑफ व्यू में दूसरा क्या है, फ्रेंच। फ्रेंच ओपन चूंकि अभी 2020 का संपन्न नहीं हुआ, इसलिए 2019 का ही आप लोगों को याद रखना है। यहां पर पुरुष एकल राफेल नडाल स्पेन,
महिला एकल एस्ले वार्टी ऑस्ट्रेलिया, डोमिनिक थियम विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया के, और चेक गणराज की मार्गिता वोंदरुसुवा, है ना, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी प्रकार विलम्बडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता है, क्लियर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें नोवान जोकोविच सर्बिया और सिमोना हालिप रोमानिया, रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड उपविजेता, और सेरेना विलियम्स यूएसए, दोनों विलियम्स बहनें बहुत अच्छा खेलती है, सेरेना विलियम्स यहाँ पे उपविजेता रही। और चौथा और अंतिम जो आपका होता है वो होता है यूएस ओपन, है ना। तो यूएस ओपन अगर हम लोग देखें तो राफेल नडाल स्पेन, बियंका एंड्रीस्कू कनाडा, डेनियल मेदवेदेव रूस, और सेरेना विलियम्स अमेरिका, ये उपविजेता रही आपके, है ना। इन चारों प्रतियोगिताओं को एक साथ क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया मेजर कहा जाता है। इसमें एक और चीज आप समझ लीजिएगा, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि इसमें से दो प्रतियोगिताएं ऐसी हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन, जो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विलम्बडन घास पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विलम्बडन घास पर खेला जाता है, क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। आइए, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम, दूसरा पुणे में हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। तीसरा ये गुवाहाटी असम में हुआ, कहां पर आयोजित किया गया, गुवाहाटी असम में हुआ, कब, 10 से 22 जनवरी 2020, अभी से एक महीने पहले की बात है, क्लियर है। आइए, असम में आयोजित हुआ, इसकी जो है देख लीजिए संस्करण, तीसरा था, पुराना नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, शुभंकर जय जय और विजय था, शामिल राज्य 37, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 20 खेलों को शामिल किया गया, पहली बार शामिल खेल था साइकिलिंग और लॉन बाउल्स, है ना, ध्यान दीजिएगा। भाग लेने वाले कुल खिलाड़ी 10,000 के आसपास थे, है ना, और प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र का, क्लियर, और इसके अलावा द्वितीय स्थान रहा हरियाणा का, और तीसरा स्थान रहा दिल्ली का, है ना, सातवां स्थान रहा असम राज्य का, क्लियर है। खिलाड़ियों को दी जाने वाली आर्थिक राशि 8 साल तक 5 लाख रुपए सालाना है। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा, क्लियर है। आइए, हॉकी, सुल्तान अलजान सरकार कप हॉकी टूर्नामेंट 30 मार्च 2019 को संपन्न हुआ, है ना, दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर जीता, मलेशिया के इपोह में यह टूर्नामेंट संपन्न हुआ, क्लियर है, और दक्षिण कोरिया की भी टीम तीसरी बार इस टूर्नामेंट को जीती है। हॉकी पर हम लोग आते हैं, पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के उड़ीसा में आयोजित हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए कि कहां आयोजन हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन हुआ। बेल्जियम 16 दिसंबर 2018 को फाइनल में नीदरलैंड को सडन डेथ शूट आउट में 3-2 से हराकर 14वें हॉकी विश्व कप को जीता, ये कौन सा हॉकी विश्व कप था, 14वें हॉकी विश्व कप था, है ना। बेल्जियम की टीम पहली बार चैंपियन बनी है, गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को 8-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। एक और जानकारी आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हॉकी विश्व कप में अपने 300 गोल भी पूरे किए, ऐसा करने वाली वो पहली टीम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हॉकी विश्व कप जो भारत में हुआ था उड़ीसा में, ऐसी कौन सी टीम है जिन्होंने अपने 300 गोलों के चक्र को पूरा किया, ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में ऐसा करने वाली ऑस्ट्रेलिया पहली टीम है। आइए, इंडियन सुपर लीग फुटब�ल चैंपियन 17 मार्च 2019 को मुंबई में संपन्न चैंपियनशिप का खिताब बेंगलुरु एफसी ने एपएनसी गोवा को 1-0 से हराकर जीत लिया। आइए, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, प्लीज आप पढ़िएगा। बैडमिंटन, दो प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, ये 2020 की ही प्रतियोगिता है, मैं अपडेट करते चल रहा हूं, जो पुरानी है उनको भी ले रहा हूं आपके लिए जरूरी है, जो नई है उनको भी ले रहा हूं, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। पुरुष एकल की विजेता थी एंथनी सिनिसुका, पुरुष एकल के उपविजेता थे एंडर्स एंटोन सेन। अब दूसरा जो टूर्नामेंट था ये इंडोनेशिया मास्टर, मलेशिया मास्टर्स, इसका आयोजन क्वालमपुर मलेशिया में हुआ है, क्लियर है। विजेता उपविजेता, पुरुष एकल के विजेता है केंटो मोमोता, पुरुष एकल की उपविजेता है विक्टर एक्सेलेशन। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल 2019 आयोजन कहां हुआ, ग्वांगझोउ झीन में हुआ, पुरुष एकल के विजेता है केंटो मोमोता जापान की, और महिला एकल के विजेता है चेन युफे। इससे ज्यादा नाम से ज्यादा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, केवल तीनों ये जो टूर्नामेंट है आपके बैडमिंटन के, इनका केवल नाम आपको याद रखना है। आइए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, ये चूंकि बैडमिंटन का विश्व कप है इसको देख लीजिए, आयोजन हुआ वासिल स्विट्जरलैंड में, पुरुष एकल के विजेता केंटो मोमोता जापान से, और पुरुष एकल की उप विजेता पीवी सिंधु, है ना। आइए, सॉरी ये महिला होगा, यहां पे महिला एकल,
महिला एकल है ना। आइए शतरंज वर्ल्ड टीम शतरंज चैंपियनशिप 14 मार्च 2019 को, मैं यहां पे एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, मुझे लगता है यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है इन चारों ही प्रतियोगिताओं में, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि देखिए यहां पर केवल पुरुष एकल विजेता उप विजेता है ना दिया गया है, महिला एकल की विजेता आपको नहीं दी गई है। तो आप इन चारों ही प्रतियोगिताओं को एक बार देख लेंगे, नेट पर सर्च कर लेंगे, अगर यहां पर हाँ यहां पर दिया गया है महिला एकल विजेता, केवल एक में छूट गया है बेटा, केवल एक में छूट गया है इसमें, देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में छूट गया है, पुरुष एकल विजेता तो लिखा है लेकिन महिला एकल जो है ये गलत लिखा है पीवी सिंधु वाला, इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा अपने हिसाब से, नहीं तो मैं इसको क्लियर करके आपको अगले एपिसोड में क्लियर कर दूंगा। ये इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में थोड़ी सी मिसिंग है, थोड़ा सा आप इसके लिए मेहनत कर लेंगे, नहीं तो मैं अगले एपिसोड में इसको जरूर क्लियर आपको कर दूंगा। आइए शतरंज वर्ल्ड टीम शतरंज चैंपियनशिप 14 मार्च 2019 को कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुई है ना, कहां हुई, कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुई है ना। शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, रूस ने, रूस ने एक खिताब जीता, क्लियर। हाँ, इंग्लैंड को रजत तो चीन को कांस्य पदक मिला, भारत चौथे स्थान पर रहने के बावजूद दो भारतीय खिलाड़ियों अभिवन भास्करण और शेखर गांगुली ने स्वर्ण पदक जीता। इंडियन प्रीमियर लीग 2012-12वां संस्करण जो था 2019 में हुआ, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे नीचे है यहां पे, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, किसने कितनी बार खिताब जीता, बाकी ये आपको मालूम है। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार जीता, अगर आपको क्रम बनाने के लिए आ जाता है, कब कब, 2010 में जीता, 2011 में जीता और 2018। देखिए खेल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आप बहुत सारी मैगजीन्स देखते हैं कि उसमें 25-25, 30-30 पन्ने का खेल होता है ना, इतना खेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको नोट्स दे रहा हूं अगर आप अच्छे से उसको मेमोराइज करते हैं तो यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। मैगजीन का काम होता है कि मैगजीन को सब कुछ लिखना होता है, लेकिन विवेक से अगर आप पिछले 4 वर्ष के पेपर देखें तो खेल से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो खेल के पुरस्कारों से पूछे गए, जिन्होंने आज जिनको आपने पिछले एपिसोड में पूरा किया, चाहे वो फीफा से संबंधित हो, चाहे वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित हो, और बाकी प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल और बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको बहुत परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, ना मैगजीन के 15-20 पन्नों को पढ़ने की जरूरत है। आइए, मुंबई इंडियंस ने खिताब सबसे ज्यादा बार 4 बार जीता, क्लियर। अब 13वें संस्करण का आयोजन 2020 में किया जाएगा, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आइए, तो ये आईपीएल का 13वां संस्करण है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन है, विजेता बांग्लादेश है और उपविजेता भारत है। ये अभी लगभग लगभग अगर हम लोग देखें तो ये 15-20 दिन पहले की घटना है, जिसको बांग्लादेश ने जीता है ना 2020। बीनू माकन ट्रॉफी 2019-20 पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश की टीम इस बार विजेता रही है, यूपी स्पेशल में भी आपके काम का है। विजय हजारे कर्नाटक ने जीती, बीनू माकन किसने जीती बताइए, उत्तर प्रदेश ने जीती। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 हम सब लोग जानते हैं 12वां संस्करण था, इंग्लैंड और वेल्स की टीम जो है यहाँ पे वेल्स में हुआ है ना, कुल 10 टीमों ने भाग लिया, 44 मैच खेले गए और 4 मैच वर्षा के कारण रद्द हो गए है ना, 10 टीमें थी, क्लियर है, ये सब हम लोग जानते हैं, सब पढ़ चुके हैं है ना। और यहां पर फाइनल में आप सभी लोग जानते हैं कि बाउंड्री के आधार पर जो है इसका वो हुआ था, बाउंड्री का इस सारी जानकारी आपको दी गई है, और फाइनल में बाउंड्री के आधार पर जो है इसमें जो है मतलब निर्णय लिया गया था, अगला विश्व कप 2023 में भारत की मेजबानी में खेला जाएगा। एचआईएफ सीरीज फाइनल 22 जून 2019 को जापान में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एचआईएफ वुमेन्स सीरीज फाइनल टूर्नामेंट का खिताब जीता, हिरोशिमा में फाइनल में भारत एशियाई चैंपियनशिप जापान को 3-1 से हराया। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 101वें स्थान पर है, आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है। चैंपियंस लीग फुटबॉल 1 जून 2019 को मैड्रिड में खेलेगा चैंपियंस लीग फाइनल में लिवरपूल ने, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, एक बार बस रीड कर लीजिएगा,
बाकी मैंने जितने जरूरी थे मैंने सारे खेम्स यहाँ पे रखे। अब यहाँ पे देखिए चर्चित व्यक्तियों का कुछ मैंने नाम दिया है, जैसे युवराज सिंह है ना, हम जानते हैं युवराज सिंह ने मुंबई में स्पार्टा में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया, ठीक है। अब युवराज सिंह के बारे में जानकारियां दी गई है। रॉजर फेडरर है, इन्होंने 100वीं जीत दर्ज करने वाले इसके पहले खिलाड़ी बन गए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपकी यहाँ पे, है ना। महेंद्र सिंह धोनी है, आईसीसी ने भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को अपने दस्ताने से बलिदान बैच का निशान हटाने को कहा, बलिदान बैच सेना से संबंधित एक निशान है। तो अलग अलग चीजों में ये खिलाड़ी जो थे और ये जो कुछ पर्सनालिटीज थी जो जिन जो व्यक्ति विशेष में परिचित रही, ऐसे ही कुछ व्यक्ति विशेषों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बहुत छोटा सा एपिसोड था जो खेल से संबंधित था, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, वो एक बार रीडिंग की बात है। बाकी मैं रटलो के माध्यम से जब प्रैक्टिस कराऊंगा, बस इतना है कि जितना मैं नोट्स में दूं उस नोट्स को आपको अवश्य पढ़ना है, उस नोट्स को आपको किसी भी कीमत पर कहीं नहीं छोड़ना है। बाकी साथ में रटलो भी देखना है, रटलो में मैं पूरी तरह से इन चीजों को रिवाइज भी कराता चलूंगा और कवर भी कराता चलूंगा। ये नोट्स और एपिसोड आपको मिलेगा। अगला एपिसोड फिर से कल मैं आपको दूंगा जो आपकी योजनाओं परियोजनाओं चर्चित व्यक्ति चर्चित स्थान या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगा। इसी प्रकार हम 7 से 8 एपिसोड में पूरे करंट को हम लोग कवर करेंगे। खेल बहुत विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने एपिसोड को इसलिए अलग कर दिया क्योंकि अगर मैं पुरस्कार और खेल एक साथ करता तो एक एपिसोड 60-65 मिनट का हो जाता, थोड़ा सा उबाऊ हो जाता, इसलिए मैंने पुरस्कारों को अलग कर दिया और खेल को। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, अच्छे से इसको रीड करिए। एक इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग थी, मैंने आपको बताया था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की, उसमें महिला एकल के उपविजेता का नाम लिखा है पीवी सिंधु। विजेता का नाम आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है यहाँ पे नीचे, नहीं तो मैं अगले एपिसोड में उसको क्लियर करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।